बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है और इसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। बोधगया के बाद अब नवादा को दार्शनिक भव्य स्थल में तब्दील करने का सरकार ने योजना बना रखा है। नवादा में 5 करोड़ की लागत से खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया गया है। अब इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। नवादा जिले के हरिश्चंद्र स्टेडियम स्थित गोवर्धन मंदिर में 3 नए मंदिरों का निर्माण कराया जा रहा है। इन सभी का निर्माण दक्षिण भारत के कारीगर कर रहे हैं। इसके निर्माण के बाद मगध क्षेत्र में बोधगया के बाद नवादा का नाम भव्य दार्शनिक स्थल के रूप में अंकित हो जाएगा। मंदिर के चारों तरफ देवी देवता को आकर्षक लुक के साथ बनाया गया है। इस तरह का मंदिर दक्षिण भारत में ही देखने को मिलता है। अब ऐसा मंदिर नवादा में भी देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ जानकारी दे दें कि नवादा से राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ प्रसाद यादव के सौजन्य से इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। 2014 से इस मंदिर में काम चालू हुआ था और आज पूरी तरह मंदिर बनकर तैयार हो गया है। राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव इस मंदिर के निर्माण कार्य का देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि 5 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण कराया गया है। जिले में ही नहीं बल्कि पूरे मगध क्षेत्र में इस मंदिर का टक्कर कोई और मंदिर नहीं दे सकता है। उन्होंने बताया कि 2014 से इस मंदिर का निर्माण चल रहा है। इसे पूरी तरह दक्षिण भारत का लुक दिया गया है। साउथ के कारीगरों ने यहां आकर मंदिर का निर्माण किया है। मंदिर में सभी काम लगभग पूर्ण हो गया है। कुछ नीचे का काम बचा है, इसे भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और जल्द ही इस मंदिर का भव्य उद्घाटन भी किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि 3 मंदिर का निर्माण कर लिया गया है, जिसमें राधा कृष्ण, शंकर भगवान और हनुमान मंदिर हैं। यह सभी मंदिर गोवर्धन मंदिर के अंतर्गत निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजबल्लभ प्रसाद यादव गोवर्धन पूजा के दिन इस मंदिर में पूजा भी किया करते थे। यहीं पर बड़े पैमाने पर कुश्ती का भी आयोजन किया जाता था। आज भी कुश्ती का आयोजन हरिश्चंद्र स्टेडियम में किया जाता है। आस्था पर विश्वास रखने वाले राजबल्लभ प्रसाद यादव नवादा को चमकाने का काम कर रहे हैं। यह तो तारीफ राजद की ओर से की गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहां पर सरकार भी अपने स्तर से दार्शनिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसमें अगर पूरे योगदान को देखा जाए तो सरकार की अपेक्षा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का योगदान अधिक तौर पर दिखता है। जिस हिसाब से राजबल्लभ प्रसाद यादव का इस मंदिर से नाम जुड़ा है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल की कोशिशें भी यहाँ पर रंग लाई हैं। नवादा को दार्शनिक स्थल के रूप में तब्दील करने के लिए सरकार भी प्रयासरत है और अलग अलग पार्टियां भी इसे डेवलप करने में लगी हुई हैं।